गाइज, माय नेम इज़ इला एंड वेलकम बैक टू हर फैबवे। रिसेंटली मुझे आप लोगों की काफ़ी क्वेरीज आई। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्योंकि आजकल सभी फैमिली मेम्बर्स घर पर हैं, इसके वजह से हमारा जो घर है स्पेशली किचन बहुत जल्दी मेसी हो जाती है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी किचन हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज रहे। तो डैट आई से कि बात ज़्यादा एफर्ट्स डालने की नहीं है, इट्स ऑल अबाउट फॉलोइंग सिंपल हैबिट्स जिनसे हमारी किचन हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज रह सकती है। इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो शेयर करी थी जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आई, और आज इस वीडियो में भी मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी किचन हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज रहेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम में से ज़्यादातर लोगों के घरों में अवन या माइक्रोवेव टॉप पर थोड़ी बहुत चीज़ें रखी होती हैं, और धीरे धीरे हमारे फैमिली मेम्बर्स भी उस पर छोटी मोटी चीज़ें रखने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही अनटाइडी और क्लटर्ड लुक देता है। साथ ही में जब भी हमें अवन यूज़ करना होता है या माइक्रोवेव क्लीन करना होता है तो हमें एक ही चीज़ को हटाना पड़ता है, जिसके अंदर हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। इसके लिए आई सजेस्ट यू कि आप अप्लायंस के टॉप पर एक ट्रे रख लें और उसी में सारा सामान अरेंज कर लें। इस मेथड को फॉलो करके वही कॉर्नर नीट और क्लीन तो लगेगा ही, साथ ही में जब भी आपको वो अप्लायंस यूज करना होगा या क्लीन करना होगा तो आप बहुत टाइम भी सेव करेंगे। हम सभी लोग मिल्क या ऑयल कवर करने के लिए स्टील नेट को यूज करते हैं, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर डर्ट और ग्रीस एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसको हमें टाइम टू टाइम जरूर क्लीन कर लेना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि हम इसे किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। इसको क्लीन करने के लिए आप किसी भी बड़े वेसल में थोड़ा सा गर्म पानी ले लीजिए, और उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 3 to 4 drops ऑफ लिक्विड डिश वॉश। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसके अंदर इस नेट को डिप कर देंगे। साथ ही में हमारे किचन में जो टोंग्स होते हैं यानी कि चिमटा होता है, उसके अंदर भी फ्रंट में काफ़ी बर्निंग स्टेन्स होते हैं, तो हम उसको भी क्लीन कर लेंगे। फॉर दिस मैं इसके अंदर थोड़ा सा हॉट वाटर और ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने एक रबर बैंड लगा लिया है ताकि हमारे टोंग का फ्रंट पोर्शन अच्छे से पानी में डिप हो जाए। 10 मिनट्स हो चुके हैं और अब हम इनको क्लीन कर लेंगे। इसके लिए मैंने ये स्क्रबर लिया है और हमको बहुत ही स्लाइटली इसको स्क्रब करना है, और आप देखेंगे कि कितनी इजीली इसमें से सारे स्टेन्स रिमूव हो जाएंगे। एज यू कैन सी, इसके अंदर आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने, बहुत ही स्लाइट स्क्रबिंग से हमारा टोंग अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब हम इस नेट को भी क्लीन कर लेंगे। इसके लिए मैंने ये स्टील ब्रश लिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी इजीली और कितनी क्विकली इसपे से सभी डर्ट और ग्रीस रिमूव हो रही है। किसी भी स्टेनलेस स्टील की सरफेस से ग्रीस रिमूव करने के लिए बेकिंग सोडा इज द परफेक्ट सॉल्यूशन। सो दिस नेट इज फ्री फ्रॉम ऑल द डर्ट नाउ। अब हम इन दोनों चीजों को वॉश कर लेंगे। सो आवर नेट इज एब्सोल्युटली क्लीन जस्ट लाइक न्यू। इसके एजेस भी अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। सिमिलरली ये भी अच्छे से क्लीन हो चुका है, इस पे भी कोई स्टेन नहीं है। ये हैबिट काफी कॉमन है। ज्यादातर लोग जार में से पिकल निकालने के बाद उसी के लिड पर स्पून रख देते हैं, या फिर ब्रेड पर बटर लगाने के बाद या जैम लगाने के बाद नाइफ को जार के लिड पर ही रख देते हैं, या फिर केचप सर्व करने के बाद बॉटल नेक पर सॉस ड्रिप कर जाती है। इस तरह से हमारी सारी लिड्स स्टिकी हो जाती हैं और डस्ट को एक और रेस्टिंग प्लेस मिल जाती है।
सो प्लीज आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। स्पून और नाइफ को हमेशा एक सेपरेट प्लेट में ही रखें और केचप सर्व करने के बाद उसके नेप को क्लीन करके ही उस पर कैप लगाएं। इस तरह से आपकी किचन की सभी लिड्स क्लीन तो रहेंगी ही, साथ में वो डस्ट फ्री भी रहेंगी। हम अपने किचन में अलग अलग अप्लायंसेस और टूल्स यूज करते हैं जो कि हमारा वर्क तो इजी करते ही हैं, साथ में हमारा टाइम भी सेव करते हैं। बट यस, वी हैव टू बी केयरफुल कि उनको यूज करने के बाद हम उन्हें उसी स्टेट में ना छोड़ दें। उनको एफिशिएंटली यूज करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उनको यूज करने के बाद इमीडिएटली साफ कर लें। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप उनको उसी टाइम क्लीन कर लेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत कम टाइम लगेगा एंड जब आपको नेक्स्ट टाइम उनकी नीड होगी तो वो आपको रेडी टू यूज मिलेंगे। इस तरह से आपके किचन में सभी चीजें बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहती हैं। जनरली ऐसा होता है कि जब भी हम यूटेंसिल्स वॉश करते हैं तो पानी स्लैब पर गिरता है और इवेंचुअली फ्लोर पर भी गिरने लगता है। इससे बहुत ही मेस क्रिएट हो जाता है। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करूंगी। जब भी आप यूटेंसिल्स वॉश करें तो स्लैब पर कोई भी पुराना टाल रख लें। इस तरह से जब आप यूटेंसिल्स वॉश करेंगे तो सारा एक्स्ट्रा वाटर टाल एब्जॉर्ब कर लेगा और इस तरह से ना तो किचन स्लैब और ना ही फ्लोर मेसी होगा। ये क्वेरी आप में से काफी लोगों ने मुझसे की है कि स्टोव के पास जो कैबिनेट्स होती हैं वहां पर ग्रीस डिपॉजिट हो जाती है, तो हम उसको किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी बोल में थोड़ा सा विनेगर और इक्वल क्वांटिटी में ऑलिव ऑयल ऐड कर लें। इसके लिए आप कोई भी पुराना पेंट ब्रश या फिर मेकअप ब्रश यूज कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको कैबिनेट पर अप्लाई कर लेंगे। आप इसको वुडन कैबिनेट्स पे भी यूज कर सकते हैं। अब हम किसी भी सॉफ्ट क्लॉथ से इसको रब कर लेंगे। आप देखेंगे कि बहुत इजीली इस पे से सारी डर्ट और ग्रीस रिमूव हो जाएगी। इसी तरह से मैं दूसरे वाला डोर भी क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद आप किसी दूसरे क्लॉथ पर थोड़ा सा टैल्कम पाउडर स्प्रिंकल कर लें। उसके बाद आप एक बार अपने कैबिनेट डोर्स पर रब कर लें। इस तरह से अगर वहां पर कोई भी एक्सेस ऑयल रह गया होगा तो पाउडर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आप देख सकते हैं ये अच्छे से क्लीन हो चुकी है। This is how they looked before and this is how they look now, totally clean. My last tip is कि जितना हो सके आप अपना countertop खाली रखिए। इस तरह से जब आप cooking करेंगे तो आपके पास ample space होगी और आप comfortably काम कर पाएंगे। ये थी वो सभी टिप्स जिनको मैं अपने डेली रूटीन में फॉलो करती हूँ एंड दे रियली वर्क फॉर मी एंड आई होप कि आपके लिए भी ये इक्वली हेल्पफुल रहें। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। इनमें से सबसे अच्छी टिप आपको कौन सी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून एट हर फैब वे। बाय।